हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू चैप्टर 14 ऑफ मैथ्स ऑफ क्लास 8, डेट इज फैक्टराइजेशन। टुडे वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 14.1। फर्स्ट सम, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। सो स्टूडेंट्स, आई विल सॉल्व फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड सेवेंथ पार्ट। रिमेनिंग पार्ट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट सम, 12x एंड 36। अब हमें यहाँ पर 12x एंड 36 का कॉमन फैक्टर्स फाइंड करना है, तो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे फैक्टर्स ऑफ 12x। सो इसमें हमें फाइंड करना है 12 का फैक्टर, तो हम यहाँ पर फाइंड करेंगे 12। प्राइम फैक्टर फाइंड करना है, हम डिवाइड करेंगे 2 से। 2 6 जा 12, देन 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। सो 2 2 एंड 3 आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12। सो वी विल राइट 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 एंड x। सो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 एंड x आर द फैक्टर्स ऑफ 12। नेक्स्ट, फैक्टर्स ऑफ 36, सेम प्रोसेस, 36 का फैक्टर फाइंड करना है। हम स्टार्ट करेंगे 2 से डिवाइड करना। 2 18 जा 36, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। सो हियर वी गेट 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ कॉमन फैक्टर्स, अब यहां पर देखो क्या कॉमन फैक्टर है, 2 एंड दिस 2 एंड 3। सो वी विल राइट 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। सो कॉमन फैक्टर इज 12। सो वी गेट कॉमन फैक्टर ऑफ 12x एंड 36 इज 12। सॉल्यूशन ऑफ थर्ड पार्ट, 14pq एंड 28p स्क्वायर एंड q स्क्वायर। सो फर्स्ट वी विल फाइंड फैक्टर्स ऑफ 14pq। सो स्टूडेंट्स, यहां पर हमें 14 के फैक्टर फाइंड करने हैं। डिवाइड करेंगे 2 से। 2 7 जा 14, 7 1 जा 7। सो वी विल राइट 2 मल्टीप्लाई 7 एंड pq मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई q। नेक्स्ट, फैक्टर्स ऑफ 28 p स्क्वायर q स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हम यहां पर 28 के फैक्टर फाइंड करेंगे। 2 14 जा 28, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7। सो वी राइट हियर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 एंड पी स्क्वायर। पी स्क्वायर को क्या लिखेंगे, पी मल्टीप्लाई पी, मीन्स पी मल्टीप्लाई 2 टाइम्स। सो वी राइट हियर पी मल्टीप्लाई पी एंड क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर को लिखेंगे क्यू मल्टीप्लाई क्यू। क्लियर? नाउ कॉमन फैक्टर, 2 इज कॉमन फैक्टर, 7 इज कॉमन फैक्टर एंड पी, पी इज कॉमन एंड क्यू इज ऑल्सो कॉमन फैक्टर। सो वी विल राइट कॉमन फैक्टर्स
इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई पी मल्टीप्लाई क्यू. 2 7 जा 14, 14 पी क्यू. सो कॉमन फैक्टर ऑफ कॉमन फैक्टर ऑफ 14 पी क्यू एंड 28 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज 14 पी क्यू. सॉल्यूशन ऑफ फिफ्थ पार्ट. सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें कॉमन फैक्टर फाइंड करना है. सो फर्स्ट हम फाइंड करेंगे फैक्टर्स ऑफ 6 एबीसी. सो फैक्टर ऑफ 6 इज 2 एंड 3. सो वी राइट 2 मल्टीप्लाई 3 एंड एबीसी. सो वी विल राइट ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी. देन फैक्टर्स ऑफ 24 ए बी स्क्वायर. सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 24. सो वी विल राइट 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई ए एंड बी स्क्वायर मीन्स बी मल्टीप्लाई बी. नाउ फैक्टर्स ऑफ 12 ए स्क्वायर बी. सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 12. सो वी विल राइट हियर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई ए. ए स्क्वायर मीन्स ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी. अब हम यहाँ पर कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे. सो 2 इज कॉमन फैक्टर. नेक्स्ट 3 इज कॉमन फैक्टर. क्लियर. अब हमें कॉमन देखना है जो तीनों में कॉमन हो, जो नंबर तीनों में होता है. तो ए इज कॉमन फैक्टर, देन बी इज कॉमन फैक्टर. क्लियर. अब हम लिखेंगे यहां पर कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू 2, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू 2 3 जा 6 ए बी. क्लियर. सो कॉमन फैक्टर ऑफ 6 ए बी सी 24 ए बी स्क्वायर एंड 12 ए स्क्वायर बी इज 6 ए बी. नेक्स्ट सॉल्यूशन ऑफ 7th पार्ट. फर्स्ट वी विल फाइंड फैक्टर्स ऑफ 10 पी क्यू. सो स्टूडेंट्स, फैक्टर्स ऑफ 10 इज 2 एंड 5. सो वी विल राइट 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई पी मल्टीप्लाई क्यू. नेक्स्ट फैक्टर्स ऑफ 20 क्यू आर. सो स्टूडेंट, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 20. सो वी विल राइट 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई क्यू मल्टीप्लाई आर. नेक्स्ट फैक्टर्स ऑफ 30 आर पी. सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 30. सो वी विल राइट 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई पी. अब हमें फाइंड करना है कॉमन फैक्टर्स. कॉमन फैक्टर्स वो होंगे जो तीनों में होंगे. तो सो 2 इज कॉमन फैक्टर एंड 5 इज ऑल्सो कॉमन फैक्टर. सो वी विल राइट 2 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 10. सो कॉमन फैक्टर ऑफ 10 पी क्यू 20 क्यू आर एंड 30 आर पी इज 10. दिस इज द एंड ऑफ टूडे सेशन. वी विल सॉल्व रिमेनिंग पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 14.1 इन नेक्स्ट वीडियो.
अप टिल देन थैंक यू.